हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं अमिता, मेरे यूट्यूब चैनल अमिताज किचन कुछ मीठा कुछ नमकीन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए एक बहुत ही चटपटी करारी आलू की सब्जी लेके आई हूँ। हरी मिर्च और तिल वाले आलू की रेसिपी जो बहुत ही फटाफट बनती है और पर इतनी टेस्टी होती है ना, आप एक बार बनाएंगे तो यकीनन मानिए आप बार बार इसको बनाना चाहेंगे। फटाफट जब आपका मन करेगा हल्का सा बनाना है, फटाफट बनाना है, कोई गेस्ट आ रहे हैं, कोई सूखी सब्जी बनानी है, तो आप इसको ही बनाएंगे। तो चलिए एक बार आप बनाइए, ट्राई करिए। और चलिए अब हम ये तिल वाले आलू बनाना स्टार्ट करते हैं। ये तिल वाले आलू बनाने के लिए मैंने अराउंड मीडियम साइज़ के, देखिए 8-9 आलू लिए हैं, आप समझ लीजिए अराउंड 1/2 kg होंगे ये आलू। तो ये मैंने बॉईल करके इसको रख दिया था, तुरंत नहीं काटना आलू जब तक पूरे ठंडे हो जाएं, अच्छे से शेप ले लें, उसके बाद हमने आलू को काटना है। ये आलू मैंने उबाल के आधा घंटा छोड़ दिया था, अब इसके बाद हम इनको काटेंगे। ये देखिए आलू ये लिया, ये देखिए आप कितने अच्छे से हो चुके, इनको हम इस तरीके से काट लेंगे। देखिए इस तरीके से हम इनको काट लेते हैं, अलग अलग कर देंगे इनको। साथ में ये जुड़े ना स्टिक ना में, इसी तरीके से हम सारे आलू काट लेते हैं। देखिए मैंने सारे आलू काट लिए इस तरीके से काट के रख देते हैं। और चलिए अब हम इसके बाद सब्जी बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने गैस ऑन कर दी, एक पैन लिया है। सबसे पहले हमने डालना है इसमें अराउंड 2 tablespoons ऑयल। आप वो कौन सा यूज़ रिफाइंड यूज़ करना चाहते हैं, आप इसमें आप सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी अच्छा लगता है बहुत। और उसके लिए उसको जलाना पड़ेगा, जैसे मैं जलाने के लिए आपको पहले भी अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। उसको तेज आंच पे रख के छोड़ देना है, जब अच्छे से धुआं निकलने लग जाए अच्छे से, फिर ठंडा कर देना है उसको, फिर यूज़ करना है। ये देखिए हमारा ऑयल हो गया है। अब इसके बाद हमने इसमें देखिए डालना है, इसको पूरा मेल्ट कर लेना है घी को। 2 tablespoons हमने भर के डाला है ऑयल, ये देसी घी हम तो यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम डालेंगे, जैसे आलू का बताया था ना मैंने आपको कि अराउंड 1/2 kg आलू है, तो उसी के बाद देखिए ऑयल मेल्ट हो गया है। अब मैंने देखिए ग्रीन चिलीज लंबी लंबी करके इस तरीके से 7 से 8 हरी मिर्चें काट ली हैं, वो पहले डालेंगे इसमें। इसको हल्का सा स्टिर कर लेंगे, थोड़ा सा तलना है हरी मिर्चों को। अब घी गर्म हो गया है तो उसको हम स्लो फ्लेम पे कर देंगे गैस को। बस हम हल्का सा इसको करना है कि अच्छे से फ्राई हो जाए, आधी आधी हल्का सा कलर चेंज हो जाए। मिर्चें मैंने कर लिया, अराउंड 30 seconds मैंने इन मिर्चों को कर लिया है। अब इसके बाद मैं ये जो आलू डाले थे ना, ये इस तरीके से हल्के हल्के ये आलू डाल देंगे इसमें। अब इनको भी हमने घी में हल्का हल्का फ्राई करना है। हल्का सा, बिल्कुल हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, पर मीडियम टू हाई फ्लेम पे कर लेंगे, क्योंकि इनको हमें हल्का सा रोस्ट करना है। देखिए इस तरीके से आलू गए, इनको बार बार हिलाइएगा नहीं, ये आलू नहीं तो टूट जाएगा। देखिए एक साइड से होने देंगे, हम इसको 1 minute के लिए छोड़ देंगे, इसके बाद हम इसको पलटेंगे। तो चलिए अभी हम 1 minute इसको कर लेते हैं। बार बार आप यूज़ करेंगे हिलाने के लिए तो आलू टूटेंगे। अराउंड 1 minute होने लगा है, इस टाइम पे हम इनको हल्का सा हिला लेंगे। देखिए इस तरीके से अभी 1 minute हम और कर लेंगे, आलूओं को अलग अलग कर देंगे इस तरीके से, अगर स्टिक हो रहे हैं इस तरीके से। हम 1 minute और हिला लिया मैंने अच्छे से, अब इनको 1 minute हम और कर लेते हैं ऑयल में इसी तरीके से। देखिए हमारा 1 minute फिर से हो गया है। अब स्पून से आप इनको हल्के से हिला लीजिएगा, जो आलू टूटे ना, थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं आलू हमारे, हो गए। आपने नोटिस किया होगा इसमें मैंने ग्रीन चिलीज बहुत ज़्यादा डाली थी, क्योंकि मैंने इसमें फ्लेवर ही ग्रीन चिलीज का देना है इसमें। अब ये हमारे आलू हो गए, चलिए अब हम इसमें राई स्पाइसेस डाल देते हैं।
अब हम इसमें डालेंगे देखिए सॉल्ट, हाफ टी स्पून। वैसे तो देखिए सॉल्ट टू टेस्ट होता है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक टीस्पून भर के कश्मीरी लाल मिर्च। लाल चिली, रेड चिली पाउडर यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि हम ग्रीन चिलीज का फ्लेवर लेंगे। इसमें हमने केवल कलर के लिए डाली है। और एक भर के स्पून धनिया पाउडर डालेंगे इसमें। इसके बाद डालेंगे, हमने देखिए साबुत जीरा नहीं डाला है, हम एक भर के स्पून भुना हुआ जीरे का पाउडर डालेंगे। और हम देखिए बाद में एक ही बार हिलाएंगे, इसलिए मैं सारे ड्राई स्पाइसेस डाल रही हूँ क्योंकि आलू को जितना हिलाएंगे उसका टूटने का उतना डर होता है। अब इसके लिए मैंने देखिए बाद में थोड़ा सा खट्टापन देना है। ये देखिए मैंने लिया है अनारदाना पिसा हुआ, इसमें अनारदाना बहुत अच्छा लगता है। ये थोड़ा सा चिपक जाता है तो आप हाथ से इस तरीके से तोड़ के डालिए। एक टीस्पून इसमें मैंने डाला है अनारदाना। और थोड़ा सा इसके बाद मैं इसमें डालूंगी धनिया की पत्ती, ये डाल दिए। अब हम इसको हिलाएंगे हल्के हल्के से। ये देखिए सारे स्पाइसेस को हम इसको अच्छे से हिला लेंगे। देखिए मैं आप देख रहे हो स्पून से ही हिला रही हूँ। इस तरीके से आप हम इसको सारा हिला लेंगे। अब इसका एक मेन इंग्रेडिएंट और बचा हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट आप इसको कह सकते हैं। ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि जिससे कि ये स्पाइसेस में ये ड्राई स्पाइसेस डालें वो भी भून जाए, क्योंकि अगर कच्चे रहेंगे आप आलू को ऐसे ही बंद कर देंगे तो वो भी टेस्ट नहीं आएगा। इन आलूओं में आएगा टेस्ट ग्रीन चिली का, आप देखिएगा जब आप खाएंगे ना। ये देखिए अब हमारे आलू हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा होगा कितनी अच्छी शक्ल आई है इसमें। इसके बाद हम डालेंगे इसमें, ये तिल है सफ़ेद, पर अगर आप इसको एक काम करिएगा, मैंने चला लिया इसको 30 सेकंड्स के लिए माइक्रोवेव में चला लीजिएगा, रोस्टेड या कढ़ाई में करके स्लो फ्लेम पे इसको भून लीजिएगा, उसके बाद डालेंगे इसको। कच्चे ना हो तिल, सिले हुए ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये तिल भी डल गए हमारे, अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। तिल बहुत ही हेल्दी होते हैं, बहुत ही फायदा करते हैं। इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला और थोड़ा सा नहीं बहुत सारा हरा धनिया। इसको बस एक बार फिर इसी तरीके से हल्के हाथों से इसको हिला लेना है कि आलू हमारे टूटे नहीं। अब देखिए सॉल्ट, बाकी सब तो और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है, सॉल्ट टू टेस्ट है। तो आप अगर आपको सॉल्ट आप ज़्यादा खाते हैं तो देख लीजिएगा, आप इसमें सॉल्ट डाल लीजिएगा। अगर आपके पास अनारदाना का नहीं है पाउडर तो आप इसमें अमचूर पाउडर या चाट मसाला भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इसको हल्का सा एक दो मिनट स्लो फ्लेम पे इसको धीमे धीमे भूनना है। अब जैसे इस तरीके से मैंने रख के छोड़ दिया 30 सेकंड्स के लिए, फिर इसको स्पून से ही हिलाने की कोशिश करिएगा। इसके बाद हम इसको फिर से स्पून से हिला लेते हैं। चलिए 30 सेकंड्स हो गए, ये मैं इसको फिर से हिला लेती हूँ, आलूओं को ऊपर नीचे कर लेती हूँ। आप ये आलू आज बनाइए, ये आलू आप पूड़ी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं पराठे के साथ। आपके घर में डिनर है, आपको एक इंस्टेंट क्रस्ट फटाफट कोई सूखी सब्जी बनानी है तो आप ये बनाइए, देखिएगा हर बंदा रिलिश करेगा, सबको बहुत अच्छी लगेगी। एक थोड़ी सी डिफरेंट सब्जी हो गई, तिल डर गए हैं तो बहुत ही हेल्दी सब्जी हो गई। तो चलिए हमारे ये तिल के आलू तैयार हो गए हैं, अब इनको हम सर्व कर देते हैं। देखिए फ्रेंड्स मेरे तिल वाले आलू खाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। इनका जो फ्लेवर है ना, आप बनाएंगे तो आप खुद ही बोलेंगे, महसूस करेंगे कि फ्लेवर जो ग्रीन चिलीज का फ्लेवर आता है इसमें, तीखापन आता है हल्का हल्का, और जो तिल बाद में क्रंचीनेस आती है खाते हैं जब आप हर बाइट में, तो आपको मज़ा आ जाएगा। और देखिएगा घर में बड़े बच्चे सब बहुत पसंद करेंगे इन आलुओं को, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। अगर मेरी ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ फ्रेंड्स प्लीज़ ज़रूर शेयर करिएगा। आप अगर शेयर करेंगे तभी मेरे देखने वाले भी बढ़ेंगे और तभी लोगों को पता चलेगा मेरे वीडियोस को।
और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स वो भी कर डालिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।